नागौर के खींवसर तहसील में बक्ता सागर बालाजी का मंदिर बना हुआ है। दरअसल पहले ये तहसील से पहले ये गांव हुआ करता था। इस बालाजी के चमत्कार से गांव को भूत प्रेत से मुक्ति दिलवाई, ये वहां के ग्रामीणों का मानना है। दरअसल ये मंदिर आज से 350 वर्ष से अधिक पुराना है। यहां पर हरिद्वार से राम कुमार दास जी महाराज ने आके गांव को संकट से मुक्त करवाया, जिसके बाद यहां पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनाया गया और यहां के युवाओं ने मिलकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसका खर्चा 20 लाख रुपए से अधिक आया। हमारे गांव खींवसर 5 लाख रोड पंचायत समिति खींवसर के पास स्थित बक्ता सागर तालाब, ये मंदिर लगभग हमारे गांव में बुजुर्ग बताते हैं 350 साल से पुराना मंदिर है और ये मंदिर बक्ता सागर तालाब पर स्थित है। आज से 20-30 साल पहले हम युवा लड़के थे, यहाँ से मतलब सब तालाब की सफाई कर रहे थे, तब सोचा कि भाई ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर बनाया। तब युवा लोग गांव के 20-25 युवाओं ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया गांव के जन सहयोग से। आज लगभग इस मंदिर में 20-25 लाख रुपए लग चुके हैं और भविष्य में भी इसका मंदिर का निर्माण जारी रहेगा। हमारे गाँव के बूढ़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये मंदिर, ये हमारा पूरा जो गांव है खींवसर जो नागौर जिले में स्थित है, ये गांव पुराने समय में भूतों के सायों, भूत प्रेत के सायों में था। जब रामानंद आश्रम हरिद्वार से श्री राम कुमार दास जी गुरु महाराज जो यहाँ पधारे थे, जिन्होंने इस मंदिर में, इस गांव में रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया था और इस मंदिर में यज्ञ भी हुआ था, जिससे इस गांव में थोड़े भूतों से लोगों को मतलब मुक्ति मिली। और यह भी मान्यता है कि गुरु राम कुमार दास जी आज भी यहाँ विराजमान हैं और जो भी भक्तगण यहाँ सच्चे मन से आते हैं उनकी मन की मुराद पूरी होती है और भगवान सच्चे मन से आप यहाँ मान लो आपके हाथों हाथ आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरा नाम मोतीलाल सेन।